नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं मध्य प्रदेश की कुछ खास खबरों की। सिवनी महिला बाल विकास विभाग ने मानव श्रृंखला बनाकर मांगों के समर्थन में प्रदर्शन। सिवनी महिला बाल विकास विभाग के परियोजना अधिकारी, पर्यवेक्षक, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, सहायिकाओं का मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन। महिला बाल विकास कार्यकर्ता व परियोजना अधिकारी, पर्यवेक्षक, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा अंबेडकर चौक सिवनी से अपनी मांगों के समर्थन में प्रदर्शन कर विशाल रैली निकली गई, जो कि अंबेडकर चौक होते हुए बस स्टैंड, सर्किट हाउस से कलेक्टर ऑफिस होते हुए पुलिस ग्राउंड पहुंची, जहां 3000 कर्मचारियों ने मानव श्रृंखला बनाकर मांगों के समर्थन में भारी नारेबाजी की गई। तत्पश्चात कलेक्टर परिसर पहुंचे संयुक्त मोर्चा संघ द्वारा माननीय मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में लंबित मांगे इस प्रकार है। परियोजना अधिकारी, पर्यवेक्षक की वेतन विसंगति, ग्रेड पे, टाइम स्केल संविदा पर्यवेक्षक, नियमितीकरण, अधिकारी के नाम से प्रभारी शब्द हटाने, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को नियमितीकरण, मिनी कार्यकर्ताओं, सहायिकाओं न्यूनतम वेतनमान, सेवानिवृत्ति पर राशि अनुकंपा नियुक्ति। जब तक शासन प्रशासन हमारी मांगे पूरी नहीं हो जाती है, तब तक संयुक्त मोर्चा के सभी अधिकारी, पर्यवेक्षक, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका, मिनी कार्यकर्ता सभी सामूहिक अवकाश पर रह गए। इस अवसर पर संयुक्त मोर्चा के अध्यक्ष उपस्थित रहे। सिवनी जिला संवाददाता राजकुमार फर्मे की रिपोर्ट। आज धरना प्रदर्शन और रैली निकाली जा रही है, क्या मांगे आप लोग? आज 25 मार्च को संयुक्त मोर्चा, जिसमें आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका संघ, पर्यवेक्षक संघ और परियोजना अधिकारी संघ, तीनों के संयुक्त मोर्चे के अंतर्गत आज एक विशाल रैली का आयोजन बस स्टैंड से जिला कलेक्टर परिसर तक किया गया। साथ ही इस पुलिस ग्राउंड में मानव श्रृंखला का निर्माण किया गया। हम संयुक्त मोर्चा की तीनों स्तर की मांगे हैं। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता का नियमितीकरण किया जाए, उनको न्यूनतम वेतनमान दिया जाए, उनको जो 1500 रुपये की घोषणा की गई थी अतिरिक्त मानदेय की, वो तत्काल रिलीज किया जाए उनके पक्ष में। इसके अलावा आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका की सेवानिवृत्ति पे राशि प्रदान की जाए। यदि सर्विस के दौरान उनकी दुर्घटना में या आकस्मिक मृत्यु हो जाती है तो उनकी पात्र बहू या बेटी को अनुकंपा नियुक्ति दी जाए, उनको सहायता राशि प्रदान की जाए। इसके अलावा पर्यवेक्षकों को, जो संविदा पर्यवेक्षक विगत 10 वर्षों से कार्यरत हैं, उनको या तो विभागीय परीक्षा के माध्यम से या सीधे नियमितीकरण किया जाए। पर्यवेक्षकों और परियोजना अधिकारियों का ग्रेड भी बढ़ाया जाए, उनकी पदोन्नति की व्यवस्था की जाए। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को, जो अधिक वर्षों से कार्यरत हैं, उनको पदोन्नति देकर पर्यवेक्षक पद पर पदोन्नत किया जाए। इन्हीं सब मांगों को लेकर हम सभी तीनों मोर्चा, कार्यकर्ता संघ, सहायिका संघ, पर्यवेक्षक संघ और परियोजना अधिकारी संघ, विगत 15 मार्च से अनिश्चितकालीन सामूहिक अवकाश पर, उसी के तत्वाधान में आज ये प्रदर्शन किया गया। यदि आपकी मांगे पूरी नहीं करते तो क्या करें? हम लोग तो अनिश्चितकालीन हड़ताल के लिए बाध्य हैं, शासन को मानना ही पड़ेगा। चाहे अब 6 महीने बीत जाए, अब हम लोग काम पे वापस नहीं जाएंगे, सेवाएं बिल्कुल नहीं देंगे। शासन की सेवाओं को देने के लिए जमीन स्तर पे आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और महिला बाल विकास सभी विभागों का काम करते हैं, परंतु शासन अनदेखा कर रही है और अब ये अनदेखा नहीं चलेगा और हम सामने चुनाव का भी बहिष्कार करेंगे। पिछले साल भी आपने हड़ताल करे थे, शासन ने क्या आश्वासन दिया था? शासन द्वारा बोला गया था कि हम आप लोगों की जो जायज मांगे हैं मुख्यमंत्री से बात करेंगे और हम आपको बताएंगे, लेकिन आज तक उसका कोई जवाब नहीं मिला, ना शासन द्वारा मिला, ना मंत्रियों द्वारा मिला। जिनने बोले थे, हमको आश्वासन दिए थे, उनके द्वारा भी कुछ नहीं लिखित में दिया गया। क्या कहना चाहेंगे जी? मैं जिला अध्यक्ष कुमारी मिश्रा, किन्नी जिला से, और मेरी जो प्रांतीय अध्यक्ष दीदी हैं, इन्होंने जो बोला उसी के तत्वधान में हम भी उसी लड़ाई में शामिल हैं, और हमारे परियोजना अधिकारी सर हैं, पर्यवेक्षक मैडम हैं, इन लोगों को भी जो मांगे हैं।